कनकी मार्ग कनवेरी के पास कर्मचारी संघ की आड़ में हो रही थी अवैध वसूली। ट्रक ड्राइवरों से वसूला जा रहा था रुपए। उनके रंग में भंग उस समय पड़ गया जब उसी स्थान पर जिले के पुलिस अधीक्षक पहुंच गए। कनवेरी के पास अपनी निजी गाड़ी पर परिवहन संघ लिखाकर कुछ लोग ट्रक चालकों से चंदा उगाही कर रहे थे और साथ ही साथ उन्हें एक चंदे की रसीद भी दे रहे थे, जिसमें कुछ महिलाएं शामिल है और पुलिस की ड्रेस पहने हुए हैं। जैसे ही पुलिस अधीक्षक वहां पहुंचे, वसूली करने वाले तीतर बीतर हो गए। अवैध वसूली की जानकारी मिलते ही एसपी नाराज हो गए। उन्होंने संघ के सदस्यों को कड़ी फटकार लगाते हुए ट्रैफिक पुलिस को पॉइंट पर बुलाया। चालकों से अवैध वसूली की शिकायत पहले भी मिली है। पुलिस अभी पूरे मामले की जाँच में जुटी है। बताएंगे क्या मामला था, क्या घटना घटी? कुछ लोगों द्वारा जो है ट्रांसपोर्टर संघ के रूप में अपने आप को बता करके कनवेरी बेल्ट के पास रोड में ड्राइवरों को रोक रोक करके पैसा उगाही करने के संबंध में शिकायत आ रही थी। इस संबंध में तस्दीक करने हेतु भेजा गया था, तो वहां पर तस्दीक करने जब गए थे पुलिस अधिकारी, तब तक तो नहीं मिले, लेकिन आम जनता के द्वारा ये सूचना प्राप्त हुई है कि कुछ लोगों के द्वारा अपने आप को ट्रांसपोर्टर संघ का बता करके ड्राइवर और कंडक्टरों के हित के लिए या कल्याण के लिए पैसा इकट्ठा करने की बात करके ड्राइवर कंडक्टरों को रोक करके उनसे पैसा लेने की बात सामने आई है। तस्दीक किया जा रहा है और जैसे ही उन लोगों को पता साझी हो जाएगी तत्काल उन पर कार्रवाई की जाएगी। क्या मतलब वर्दी में भी थे सर, क्या कौन सा ड्रेस पहना? हाँ, ये बात सामने आई है कि वो जो वहाँ पर पैसा उगाही कर रहे थे, ये लोग जो है हमारे महिला पुलिस कर्मियों के ड्रेस को उसी के कलर का ड्रेस धारण किए हुए थे, जिसको अधिकांश लोग जो है पुलिस कर्मी के रूप में समझ करके बात को बताए थे। इन लोग पकड़ में कैसे आया सर? वहां पर जो लोग थे उन लोगों ने जब पूछताछ किया, उनसे आईडी मांगा गया, तो वो लोग घबरा गए थे, आईडी वगैरह दे नहीं पाए, और जो आईडी दिया गया था वो जो है जो ट्रांसपोर्ट संघ जो पुराना था कोई, या जो फर्जी तरीके से ट्रांसपोर्ट संघ बना था उसके द्वारा जारी किया गया आईडी कार्ड था, ना कि पुलिस का।